एसएससी का रिजल्ट आ चुका है एंड सबसे पहले ढेर सारी बधाइयां उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी दोस्तों को, उन सभी यारों को जिनको सिलेक्शन मिल गया है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जगह पे सिलेक्शन मिला है एंड मे बी शायद फ्यूचर में हमारे चैनल्स पे कुछ इंटरव्यू वाले वीडियोस भी आए। लेकिन एट दिस टाइम द एलिफेंट इन द रूम, द बिगेस्ट वरी विच स्टूडेंट्स विच कैंडिडेट्स हैव, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हताश है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर नहीं हुआ सिलेक्शन, सर क्या करूं, कैसे क्या करना है। सो डोंट वरी, सबसे पहले तो वो नेगेटिव स्पाइरल में नीचे मत जाओ, ठीक है। एक दिन का शोक मना लिया, हो गया सैटरडे, यार रिजल्ट आया, संडे को हम पूरा दिन उदास थे। अब उदास रहने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज देखिए गवर्नमेंट मिशन मोड में है, इतनी ज्यादा वैकेंसीज आपने देखी ऑलरेडी आई थी, तो जरूरी है कि आप इस सिचुएशन का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। हो सकता है दोबारा जब वैकेंसी आए, 1 महीने में फॉर्म दोबारा निकलने वाला है। एंड अगर अभी तक जागे नहीं हो तो प्यारे जागो मोहन, जागो, जग जाओ, फॉर्म भरो, पढ़ाई करो, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, एकदम मतलब आग लगा दो। जहां वहां से टीचर्स हैं, बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं आपके पास में, यू गाइज हैव द एक्सेस टू क्वालिटी टीचर्स आपके पास में है। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी, बहुत सारे बच्चे, देखिए इस बार हुआ क्या कि पैटर्न ऐसा था कि आपको शॉर्ट हैंड का रिजल्ट नहीं आया, आपको डायरेक्टली बताया गया कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ है। सो अगेन इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हुई, उनको एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिल पाता। जब ऑप्शन फॉर्म भर रहे थे तब तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत एक्साइटमेंट था कि यार ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट, लेकिन फाइनली हुआ क्या, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड में निकल गए। 100 वर्ड्स पर मिनट का जो डिक्टेशन था, हो सकता है वहां पे निकल गए। कितने स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे सर 80 के मैटर में, ऑलमोस्ट 90-95 के स्पीड में मैटर चला गया था। तो गलती किसकी है, कौन यहाँ पर जिम्मेदार है? क्या एसएससी जिम्मेदार है, क्या शॉर्ट हैंड जिम्मेदार है, क्या वहां का? आप देखो ब्लेम करने के लिए 500 चीज है और रियलिटी एक सिंगल चीज है, ठीक है। तो आपको देखना है क्या आपकी शॉर्ट हैंड में तैयारी की कमी थी, क्या आपके इंग्लिश में कमी थी, रीजनिंग में कमी थी, जीएस में कमी थी, कहाँ कमी थी। तो वो आपको पता है कि कहाँ कमी रह गई है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और शॉर्ट हैंड जो कि अपने आप में एक इग्नोर्ड चीज, बोलते हैं सीबीटी करने के बाद देख लेंगे, लेकिन सीबीटी निकल जाएगा, शॉर्ट हैंड का कब नोटिस आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है जैसे ही सीबीटी एग्जाम हो तुरंत आपको शॉर्ट हैंड का नोटिफिकेशन आ जाए। सो स्किल टेस्ट के लिए आपको शॉर्ट हैंड का फॉर्म भरने से भी पहले स्टार्ट करना है। नीचे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको और जानना है इसके बारे में कि सर कैसे शॉर्ट हैंड की तैयारी करें, कैसे क्या करना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट टाइप SDSD, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन आपको टाइप करना है। मुझे पहले स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, कितने स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, बिकॉज इससे कि मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। बट इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, दे आर पता नहीं क्या रील्स वगैरह देख के आए रहते हैं, बेहूदे से सवाल करते हैं, कुछ भी सवाल पूछते हैं। इसलिए आई हैव नोटिस वन, इंस्टा पर जो मेरे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं ना, द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी लो, लाइक द लेवल ऑफ डाउट्स दे आस्क ना, ऐसा लगता है कि यार भाई क्या कर रहा है यार, थोड़ा खुद रिसर्च कर ले, इतना नीचे लेवल, इतने निचले क्यों पूछ रहा है। बिकॉज मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, दैट इज वाई आई से कि ये कुछ नया मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन टाइप SD इफ यू आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट हैंड, अगर आपको शॉर्ट हैंड की जर्नी स्टार्ट करनी है। दैट इज वाई आई को एंड दिस इज ऑलवेज फॉलो एंड इसका रिजल्ट हमेशा 100% पॉजिटिव मिलता है। इवन बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपकी एटलीस्ट 80-90 होनी चाहिए, ठीक है। डिक्टेशन नहीं लिखना है बंद कर दो, मत लिखो डिक्टेशन। बट जिस दिन आप डिक्टेशन लिखना छोड़ रहे हो, कि आपकी उस दिन एटलीस्ट 80-90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है। अगर आप 60 या 50 वर्ड्स या 65 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन छोड़ रहे हो तो भाई साहब आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे SD टाइप कीजिए एंड आई विल सी यू गाइज इन दी व्हाट्सएप चैट। वहां पर मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली, बिकॉज यूट्यूब पे हर बार लाइव आके वीडियोस बनाना इज नॉट क्वाइट पॉसिबल, विच आई हैव स्टार्टेड। अगर इंटरेस्टेड हो तो टाइप कीजिए एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं गाइज, इंटरव्यू वीडियोस आएंगे। कुछ दोस्तों का MEA में सिलेक्शन हो गया है, किसी को AFHQ मिल गया है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट्स मिले हैं लोगों को। ये सब इंटरव्यू आने वाले हैं एंड जो चैनल पे पिछला इंटरव्यू आया था वो आपने देखा या नहीं देखा, एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ आपको मिलेगा। सो मेक श्योर यू रीड दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग एंड बस निराश नहीं होना है।
लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आते रहेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लाइफ कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। जैसे 10th के बाद कहा था कि यार 12th में एडमिशन ले लो, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बढ़िया कॉलेज ले लो, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ये कर लो खत्म, वो कर लो खत्म, बट यू ऑल नो कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती हैं। दैट इज वॉट, अभी भी आप एक प्रॉब्लम की घड़ी में हो, लेकिन इस प्रॉब्लम में देखिए कुछ लोग अपने आप को नीचे लेके चल कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे वैसे ये वो, और कुछ लोग अपने आप को ऊपर उठाए, चलो कोई बात नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी आई है, चलो ये फॉर्म भरूंगा, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी आने वाली है, चलो वो फॉर्म भरूंगा, बॉम्बे हाईकोर्ट में वैकेंसी आने वाली है, चलो इसका फॉर्म भरूंगा। सो आई होप समझदार को इशारा काफी है कि क्या क्या चीजें होने वाली है। सो मेक श्योर आप पढ़ते रहिए, डिक्टेशन लिखिए, लीगल जनरल सब कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, शॉर्ट हैंड पढ़ते रहिए और सीबीटी की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए, बाय, टेक केयर।